मैं इसलिए आप सब लोगों से अपील करूंगा, खासकर जो हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं कोई सामान ले रहा है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कोई भी दुकानदार से वो परेशान ना मांगे, और जो भी परेशान यूज करेगा ये आपको आज लास्ट वार्निंग है। आप एक महीने का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है आज फर्स्ट टाइम पर सबको लास्ट वार्निंग है, जो भी परेशान यूज करेगा दुकानदार या जिसके हाथ में परेशान होगा गाय के हाथ में उसके ऊपर पूरी पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार फिर रियासी वालों को सूचित करूंगा कि कोई भी पॉलीथिन जो है यूज मत करे, कल के बाद जिसके भी हाथ में पॉलीथिन होगा जो भी दुकानदार पॉलीथिन यूज करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासी को साफ सुथरा रखे, बीमारी से बचाए, और जो हम गंदगी डाल रहे हैं आगे पीछे हमारे जहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं उनके बीच में अपना सामान जो गंदा सामान है वो डालें, जहाँ जहाँ भी डस्टबिन लगे हुए हैं वहाँ डस्टबिन का यूज करें। स्वच्छ भारत को एक सफलतापूर्वक अभियान बनाने के लिए और रियासी को पूर्ण रूप से स्वच्छ साफ बनाने के लिए आप सभी हमारा सहयोग दें। आप सभी दुकानदारों से, रियासी वासियों से और जो यहाँ दूसरे इलाकों से जो लोग रियासी में आए हुए हैं उन सबसे ये हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि हमारा म्युनिसिपल कमेटी रियासी का सहयोग दे। लेकिन को क्यों इस्तेमाल करेंगे हम, इसके लिए कपड़े का बैग जो पॉकेट में आराम से इजिली आ जाएगा उसको लेके आए और इस स्वच्छ भारत मिशन को हमारे तरफ से पूरी तरह से कि रियासी जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आए वो देखे कि हाँ यार ये शहर जो है इतना साफ सुथरा कैसे है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था